अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके कबाब परफेक्ट नहीं बनते हैं या फिर फ्राई करने के वक्त कबाब जो हैं तेल में टूट के बिखर जाते हैं, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ गोला कबाब बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर हमने 750 ग्राम कीमा लिया है और कीमा को हमने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल फाइन कीमा होना चाहिए और कीमा आप फैट के साथ लीजिएगा, तभी आपका कबाब जो है जूसी बनकर तैयार होगा। और कीमा में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। 1 से 2 घंटे पहले आप इसे धोकर छन्नी के ऊपर रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें कीमा को मैरिनेट कर लेना है। तो हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे इसे चटपटा बनाने के लिए और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और 1 नींबू का रस निचोड़ेंगे। अगर आपका नींबू छोटा हो तो आप यहाँ पर 2 नींबू का रस डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसे हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इसे हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल देंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। इसी के साथ हम यहाँ पर 1 टीस्पून पपीता का पेस्ट डाल देंगे जिसे हमने छिलके के साथ ग्राइंड कर लिया था। ये जो है कीमा को गलाने का काम करेगा। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून हंकर डाल देंगे यानी कि गाढ़ा दही। दही को आप आधे घंटे पहले छन्नी के ऊपर रख दीजिएगा जिससे उसका पानी जो है अलग हो जाएगा। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। आप इसकी जगह तेल भी डाल सकते हैं। दही और बटर जो है कीमा को अंदर से सॉफ्ट बनाने का काम करेगा। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून बेसन डाल दीजिएगा। ये जो है कीमा को बाइंडिंग करने में हेल्प करेगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमने कीमा को सारे मसालों के साथ खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आप यहाँ पर मीट टेंडराइजर नहीं डाल रहे हो तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखिएगा। तो यहाँ पर हमने आधे घंटे के लिए कीमा को मैरिनेशन के लिए रखा था। तो अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लेते हैं और तैयार किया हुआ मिक्सचर हम थोड़ा सा अपने हाथों में लेंगे और इसे हमें गोला कबाब का शेप दे देना है। तो इस तरह से हमें पहले गोल बनाना है। इसके बाद हम इसके बीच में एक सीख इंसर्ट कर देंगे। आप चाहे तो इसके बीच में पेंसिल भी इंसर्ट करके इसे गोला कबाब का शेप दे सकते हैं। और थोड़ा सा हमें अपने हाथों से इसे चिकना कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है और इसी तरह से हम सारे बना करके रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़े बड़े साइज के ही बनाया है क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक होकर थोड़ा छोटे हो जाते हैं। तो इतने मिक्सचर में तकरीबन बड़े साइज के 20 से 22 कबाब बनकर तैयार होंगे। तो अब हम कबाब को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को मीडियम हॉट होने के लिए रख दिया था। तो अब हम एक एक करके कबाब को तेल में डाल देंगे। तो हम यहाँ पर कबाबों को सेलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम करके इसे फ्राई करेंगे क्योंकि कबाबों को हमें अंदर तक के पकाना है। यहाँ पर हम आपको एक ख़ास बात बता दें कि कीमा जो है बिल्कुल फाइन होना चाहिए, वरना कबाब जो है तेल में टूट कर बिखर सकता है। और एक और ख़ास बात हम आपको बताना चाहते हैं कि कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना इस वक्त कबाब जो हैं तेल में टूट कर बिखर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे उलट पलट कर गोल्डन होने तक के फ्राई कर लिया है और इसी तरह से हम सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने गर्मा गर्म कबाब को खाने के लिए सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार और जूसी लग रहा है। तो बस आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है तो आपका भी कबाब बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो आने वाली बकरीद में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको और भी बकरीद स्पेशल रेसिपी देखनी है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। कैसी लगी आज की ये मेरी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और वन टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।